का सेट टॉपिक चल रहा है समीकरण के बारे में। टॉपिक चल रहा है समीकरण, समीकरण बनाएंगे और उसको बाद में हल करेंगे। तो प्रश्न को पढ़ना है पहले। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी तथा उसका परिमाप 4 से 2/15 सेमी है, उसकी बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करो। सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का अर्थ क्या होता है पहले बताया हुआ है, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। नाम क्या है इसका, समद्विबाहु। नाम क्या है इसका, समद्विबाहु। टुकड़े कर दिए मैंने इसके, समद्विबाहु। सम का अर्थ होता है समान, द्वि द्वि का अर्थ होता है दो, और बाहु है, बाहु का अर्थ होता है भुजाएं। तो समद्विबाहु मतलब क्या हो गया, समान दो भुजाएं। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो वो क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु मतलब इसमें क्या होगी, दो भुजाएं समान होगी, परिमाप उसका परिमाप दिया हुआ है, त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है। अब परिमाप कैसे आता है, त्रिभुज का परिमाप कैसे आता है, परिमाप आता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप कैसे आता है, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करने पर आता है। त्रिभुज का परिमाप कैसे आता है, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करने पर आता है। समद्विबाहु क्या होता है, समद्विबाहु मतलब समान दो भुजाएं, जिसमें दो भुजाएं समान हो। और त्रिभुज का परिमाप कैसे आता है, त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ने पर आता है। दो चीज़ें होगी क्लियर, समद्विबाहु दो भुजाएं समान, परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। ठीक है, ये अपन ने बनाया त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 है, आधार कितना है 4/3। अब समद्विबाहु त्रिभुज समान भुजाएं कितनी होगी, दो। तो ए बी और ए सी क्या है, समान है, क्या मान लेते हैं इसको अपन, एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज। क्या यह समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो माना समान भुजा बराबर एक्स, माना समान भुजाएं बराबर एक्स। समान भुजाएं क्या मान ली अपन, एक्स। समान भुजाएं क्या मान ली अपन, एक्स। समान भुजा एक्स मान ली, समान भुजा एक्स होगी। त्रिभुज का आधार 4/3 सेमी, समान भुजा एक्स आधार कितना है 4/3 सेमी, समान भुजा एक्स आधार कितना है 4/3 सेमी। और क्या दिया, परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, कितना परिमाप दिया हुआ है, 4 से 2/15 सेमी। ये कौन से बिन में दिया हुआ है, मिश्र बिन में दिया हुआ है, 4 से 2/15। ये कौन से बिन है, ये मिश्र बिन है, मिश्र बिन है। इसको बदलेंगे सरल बिन में तो त्रिभुज का परिमाप क्या आ जाएगा,
का परिमाप। मिश्र बिंद को बदलेंगे सरल बिंद में, 15 चौक 60, 60 अठारह 62 बटा 15 सेमी, ये क्या आ गया त्रिभुज का परिमाप। कितना परिमाप आया? 62 बटा 15 सेमी आ गया परिमाप। अब परिमाप कैसे आता है? परिमाप तीनों भुजाओं का योग करने पर। तो दो भुजाएं तो क्या है, एक्स है, समान भुजाएं वो तो क्या है, एक्स। तो एक्स प्लस एक्स प्लस आधार क्या है, 4/3 बराबर क्या है परिमाप, 62/15। कितना परिमाप है? 62/15। तो दोनों एक्स को जोड़ दो पहले, यहाँ कोई नहीं, एक मान लो, कोई नहीं, एक मान लो जोड़ना है, एक ने कितना हो गया, 2 2x + 4/3 = 62/15। 2x + 4/3 = 62/15 हो गया। तो 2x क्या लगा, x में 2 लगा हुआ है, 2 में x लगा हुआ है, कौन सा पद हो गया, चर पद, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी लगाओ चर पद होता है। 4/3 केवल संख्या है, कौन सा पद हो गया, अचर पद। बासठ बट्टा पंद्रह केवल संख्या है, कौन सा पद हो गया, अचर पद। चार अचर अचर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक चर अचर, राइट हैंड साइड में क्या है, एक अचर। तो पहला काम क्या करना है, समीकरण करना है तो पक्षांतर करना पड़ेगा, किसको, अचर को, अचर के पास ले जाएंगे, अचर को अचर के पास ले जाएंगे। तो समीकरण क्या है, 2x + 4/3 = 62/15 + 4/3 इधर लिया क्या बन जाएगा, -4/3। पक्षांतरण करने पर 2x = 62/15 - 4/3 क्या लगो तुम आया, 15 और 3 क्या लगो तुम आया, 15 कट गया आपस में, एक बार 62 × 1 15 और 3 का भाग दिया 5 बार, 4 × 5 2x = 62 - 20/15 42/15 ठीक है, 2 बट्टा में लिया इसके, x = 42/15 × 2 ठीक है, 2 बट्टा में आ गया इसके। x की वैल्यू ज्ञात करनी है अपने को, 2 से कट रहा है ये, कितनी बार, 21 बार। तो x = 21/15 21 और 15 दोनों आते हैं, कौन से परिमाप, 3 के परिमाप आते हैं, 7 बार 5 बार एक्स का मान कितना आ गया, 7/5 एक्स का मान आ गया 7/5 तो समान भुजा आ गई इसकी 7/5 क्या पूछ इसने, बराबर भुजा आ गया ना, बराबर भुजा आ गई इसके, बराबर भुजाएँ कितनी आ गई, 7/5 मिश्र बिंद बदलना है अगर इसको, तो बदलो मिश्र बिंद में, 7 में 5 का वर्ग 5 = 5 कितना बच गया, 2 तो ऊपर आएगा 5 नीचे आएगा, 1 से 2/5 इसे 1 से 2/5 लिखो, तो 7/5 दोनों सही है। क्या हो गए इसके, बराबर भुजाओं के माप, क्या आ गए इसके, बराबर भुजाओं के माप। तो अगर प्रश्न को आपने ध्यान से पढ़ा है, उसको हल किया है, तो कहीं गलती नहीं हो सकती आपके यहाँ, आप आसानी से उसको हल कर पाओगे। प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ोगे नहीं हल कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल करेंगे। धन्यवाद।